हेलो मेरे दोस्त, फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो कि आप लोग इस कटिंग में हर एक चीज़ हर एक स्टेप सीख सकते हैं। और इस कटिंग में आप स्टेप बाय स्टेप देखें और समझें। आप लोग पूरे वीडियो नहीं देखते हैं और ताकि आप लोग वीडियो समझ में नहीं आता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग पूरे वीडियो देखें और डिलीट स्किप करने के प्रयास न करें और पूरे वीडियो देखें और आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ये जो कंघी आप लगाए हैं अभी, ये आपका एक नंबर है, एक नंबर क्लिप कह सकते हैं, जो कि आप पूरे आसान तरीक़ा से आप देख सकते हैं और सीखे पूरी तरह। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा लोग कैसा लगा नहीं लगा। इस कटिंग में आपका दाढ़ी बाल हर एक चीज़ का सेटिंग हमें स्टेप बाय स्टेप बताए हैं और लाइनिंग आप लोग ध्यान से देखें और एकदम आसान तरीके से पतला करके ही मारें ताकि आप लोग को अच्छा लगे, सबको पसंद आए। ऐसा काम कीजिए और क्लिप हो सके तो क्लिप प्रयोग करें, और नहीं तो आप लोग कंघी का भी प्रयोग कर सकते हैं इस जगह पे। हम कैंची से इसलिए काटते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझें। मशीन में देखने को तो अच्छा लगता है बट आदमी से होता नहीं है, इसलिए आप लोग देखें और आसानी तरीक़ा से सीखने का प्रयास करें। जो कि देख रहे हैं जो कैंची से काट रहे हैं उसके बीच और जो एक नंबर कंघी से जो मशीन से काटे हैं उसके बीच रह थोड़ा सा छूट जा रहा है, तो उसको भी हम आसान तरीक़े से मशीन द्वारा मिलाएंगे। और सीखने का प्रयास करें सेम उसी तरीका से किए इस साइड भी है। और प्लीज़ वीडियो आप लोग स्किप मत कीजिए और पूरे वीडियो आप लोग देखें, और कहीं भी दिक्कत आपको दिखाई दे तो जरूर कमेंट में बताइएगा। जो छूट रहा है, जो कैंचिस काट रहे हैं, उसको फिर से हम मशीन द्वारा मिलाएंगे, जो आप लोग आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। चीज़ को आप देखें और समझने का प्रयास करें। राउंडिंग खास करके नीचे से ही लें आप लोग वीडियो, प्लीज़ आप लोग हम बार बार बोल बताते हैं और कमेंट भी आता है वीडियो हम लोग भैया समझ नहीं पाते हैं। वीडियो तो आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, पहला नंबर वीडियो पूरा देखें आप लोग। ऐसी प्रकार से उस साइड भी राउंडिंग करेंगे जो कि बाल के जहाँ से बाल है उससे नीचे ही करना है राउंडिंग। देख सकते हैं कि जहाँ ऊपर तक हम नहीं चढ़ा रहे हैं ताकि छिलने के बाद अस्तूरा लगाने के बाद ज़्यादा दिखे, बाल निकल जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही ले। और देखें उसी तरीक़ा से इधर भी लाइनिंग मारेंगे। हम लोग इतना मेहनत कर बताते हैं फिर भी आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए पूरे वीडियो देखिए, हम एक ही कहेंगे, एक ही बात कहेंगे। हम हल्का ही लें, जैसे कि हम ले रहे हैं जो स्विंग कर रहे हैं, हल्का ही स्विंग करें, ज़्यादा नहीं स्विंग करें। राउंडिंग सेम वही तरीक़ा से फिर मारेंगे इस साइड भी और लाइनिंग भी। और पूरा तिरछा ही पकड़े ताकि ज़्यादा नहीं स्विंग हो। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अस्तूरा किस तरीक़े से पकड़ा जाता है, तो इस बार हम वीडियो पे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगले वीडियो में ज़रूर हम बताएंगे अस्तूरा कैसे चलाते हैं। देख सकते हैं कि हम पानी भी नहीं मारते हैं चलते समय, फिर भी दर्द नहीं होता है। देखिए जो ये छूट चुका है, ये सब जो बता रहे थे उस टाइम, फिर से आप मशीन से फिर दोबारा मिला सकते हैं। जैसे अभी हम मिलाएंगे
लोग देखें और समझे पूरा वीडियो को। जीरो भी इस तरीका से कर सकते हैं, नीचे से जैसे टीमर से एक नंबर क्लिप लगा किए थे उस जगह पे आप जीरो भी कर सकते थे, फिर 35 मिला के या मशीन द्वारा एक नंबर करके मिला सकते थे। तो ये कंप्लीट हो गया, कहीं भी अगर थोड़ा सा बचा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उस वीडियो में फिर से दोबारा सुधार कर सकें, दूसरे वीडियो में ऐसा गलती दोबारा हम ना करें। ऊपर जैसे हम पहले काटे हैं अभी उसके अनुकूल इस बाल को काटेंगे बराबर, ताकि ऊपर से बाल जो उठता है बराबर उठे। देखते हैं कि किस कैसे नहीं बाल उठता है। अब लोग कहते हैं बराबर बाल नहीं उठता है, बाल नहीं उठ पाता है। देखिए इनका बाल तो पहले आप देख ही चुके हैं किस तरीका का बाल था, और इसमें देखें किस तरीका का बन जाता है बाल। देखिए पीछे के बाल भी ध्यान से देखें आप लोग, इस तरीके से मिला रहे हैं, पीछे से बाल नहीं उठ पाता है। दाढ़ी देखिए किस टाइप से आल बनाते हैं, दाढ़ी में तो आप लोग प्लीज़ आप लोग छोड़ के मत जाइएगा कहीं भी, पूरे वीडियो देखिएगा कि आप दाढ़ी आराम से आप घर पे भी अपने से कर भी सकते हैं। तिरछा तुरंत लाइएगा आप लोग मोच पे खास करके। आपका एक ही कमी है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, जिसके कारण पूरे काम नहीं सीख पाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताते हैं जब नहीं हो पा रहा है भैया, ऐसे तो नहीं होगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना आप लोग को। इसलिए पूरे वीडियो आप लोग देखें और समझें, दोबारा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग को ही सीखना पड़ेगा। इसको तिरछा लें आप लोग, इसका भी देखें भी शेप किस तरीका से बनता है आगे का। नीचे का कोना से अस्तूरा के नीचे कोना से आप लोग छिलिएगा दोनों साइड का, उसके बाद ऊपर वाला कोना चलाइएगा। नीचे वाला कोना थोड़ा सा उठा के ही रखिएगा, नहीं तो नीचे के बाल कट जाएगा भी जो बनने वाला है। ये फिर इस साइड मारे हैं नीचे वाला कोना से, फिर नीचे का देखें किस तरीका से कोना बनता है इसको। ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में यही कटिंग है दाढ़ी में, तो आप लोग देखें सीखें और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को, और सीखे हुए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग हम लोग कर सकते हैं, आप लोग तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो बताइए किस तरीका से हम बनाएं, ताकि आप लोग समझ में पूरी वीडियो आप लोग को आ जाए। ऐसे में बाल दाढ़ी दोनों है, ऊपर की बाल देखिएगा हम किस तरीका सेटिंग करते हैं बगैर केमिकल वैक्स का, उस चीज़ भी हम डाल चुके हैं, सिर्फ हेयर ड्राई से ही कर देते हैं। आप लोग घर पे भी कर सकते हैं इस चीज़ को कभी भी। इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाइए कहीं भी, और वीडियो देखिए, ज़्यादा देर के वीडियो भी नहीं है आपको आपके लिए। फिर देखिए जो कंघी प्रयोग कर रहे हैं दाढ़ी में, वो दो नंबर कंघी है, दो नंबर क्लिप भी कर सकते हैं। इसी तरीका से उस साइड भी लाइनिंग मारेंगे, वही दो नंबर क्लिप से ही देखिए मारते हैं कैसे किस टाइप का, उससे ऊपर नहीं करना है नीचे नहीं काटना है, ताकि नीचे एक कोना भी बनना चाहिए।
आप लोग देख के भी समझ सकते हैं, बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दाढ़ी में जो नीचे काट रहे हैं ये भी देख लीजिए, लेकिन नीचे लटके नहीं, देखिए किस टाइप से काट रहे हैं। सेम आप लोग भी इस तरीका से काटें, उस साइड का भी सेम इसी तरीका से ही काटना है। क्या बोले भैया, बताना पड़ रहा है बार बार, आप लोग कमेंट ही इतना नहीं करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी टिप दीजिएगा ताकि आप लोग को दोबारा वीडियो देखने को मिले, न्यू वीडियो न्यू कटिंग जो भी हो जो भी डालें ज़रूर आप लोग के पास पहुंचेगा। इसलिए पूरे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर टिपें। देखिए फाइनल कटिंग, और पूरे वीडियो देखने के लिए आप लोग को यही कह सकते हैं धन्यवाद, थैंक यू। और लास्ट में सीख जरूर मिला होगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोग कटिंग। बी आर वी आई पी सैलून मत भूलिएगा आप लोग।